चौमू विधायक रामलाल शर्मा के रेलवे स्टेशन रोड स्थित निवास के सामने आज पानी की मांग को लेकर आक्रोशित महिलाएं रोड पर बैठ गई और रोड जाम कर दिया। जाम के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लाइनें लग गई। वहीं सूचना लगते ही चौमू थाना अधिकारी हेमराज मुंड मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाइश की। महिलाओं का कहना है कि हमारे काफ़ी समय से पानी की समस्या बनी हुई है, हमने कई बार प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करा दिया लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, जिसके चलते मजबूरन आज हमें रोड जाम करना पड़ा। थानाधिकारी ने आक्रोशित महिलाओं से समझाइश कर रोड जाम करवाया और ट्रैफिक को निकलवाया। थानाधिकारी ने कहा कि रोड जाम करने के बजाय संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की जानी चाहिए। वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं मौके पर ही पूर्व पार्षद कुंदन सिंह शेखावत ने JEN ज्योति सैनी से बात की। शेखावत ने बताया कि JEN ने लिखित शिकायत मांगी और एक दो दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। ये पानी को लेके जाम लगा है। तो पिछले पार्षद हमारे कुंदन सिंह जी शेखावत थे, उस टाइम पे बीजेपी के टाइम पे सब जगह पानी आता था बढ़िया, लेकिन आज पार्षद कांग्रेस का भी नहीं है और बीजेपी का भी नहीं है और अपनी मनमानी के अनुसार अपना जिन जिन खास लोग हैं उनके पानी जा रहा है और हमारे लोगों के पानी नहीं आता है। हम 10,000 रुपये कमाने वाले आदमी 350 रुपये टैंक करके देंगे तो कहाँ कमाएंगे। प्रशासन भी आता है तो हमारे ऊपर दादागिरी करता है, रास्ता था वो नहीं तो जेल में डाल देंगे। क्या नाम आपका? मुकेश यादव। ठीक है राजेंद्र जागीर। हाँ, किस मामले को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया, रोड जाम की? हमारे यहाँ पानी की समस्या हो रही है, दो दिन से हमारे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पीने का पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पर लोगों की, और महीना भर हो गया, इतना आदमी कमाता नहीं है जितना तो हमारे टैंकों के पानी के लिए जा रहा है, और हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम पानी के लिए इतना खरीद सकते हैं। हम रामलाल के पड़ोस में ही रहते हैं, जब हमारे पड़ोसी की ये हालत है तो आसपास के लोगों की क्या पोजीशन होगी ये आप लोग देख सकते हैं, और आज ये धरने की वजह भी यही हो रही है, हमारे पानी की समस्या हो रही है, कृपया हमारे साथ साथ देकर हमारा आंदोलन प्रयास करें। अभी ये पुलिस प्रशासन आया है, इनका क्या कहना है? ये ऐसे बोल रहे रोड जाम नहीं कर सकती क्योंकि ये सार्वजनिक रोड है, वहाँ जाते ये हमें करने नहीं दे रहे, हमारी कोई सुनते नहीं है, हमारी मांगे सुनते नहीं है, हमारी को पार्षद, तो क्या ये हमारी गलती है कि हम वोट दे के जा रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है आंदोलन।